नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और चैट जीपीटी पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। चैट जीपीटी क्या है, क्या कर सकता है, हमने आज तक चैट जीपीटी जब से आया है तब से क्या क्या किया है, आज हम ये सब आपको बताने वाले हैं। आप भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। दोस्तों, ये है चैट जीपीटी और चैट जीपीटी का इंटरफेस थोड़ा सा नया बदल चुका है और आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं कि चैट जीपीटी हम कौन सा चला रहे हैं। ये इसका फ्री वर्जन है, अपग्रेड भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको अपनी ईमेल आईडी से इसको लॉगिन करना होता है। मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ स्टार्टिंग में। और ये देखिए, ये हम जुलाई में आ गए हैं, जून में आ गए हैं, मई में आ गए हैं, अप्रैल में आ गए हैं। और इसी तरीके से जो यूज़ करने का जो तरीका था, एक्चुअल में हम आपको वो बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए मार्च फेब जब से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैं आपको ज़्यादा नीचे नहीं ले जाता हूँ, चलिए यहीं से शुरू कर देता हूँ। आप देखेंगे दोस्तों, ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम, जैसे कि मान लीजिए ये RBI ने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था पेटीएम के ऊपर, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर इस पर क्लिक किया और ये कंटेंट इसने बनाया। और इसने कहाँ से बनाया, ये देखिए आप, हमने लिखा कि हाउ टू सेलिब्रेट सेफर इंटरनेट डे, ये हमने एक प्रॉम्प्ट दिया, इसके ऊपर इसने प्रॉपर इसको लिख दिया था। इसके अलावा आप देखेंगे, और अगर हमें कोई ब्लॉग पोस्ट लिखवानी थी, थीम है सेफर इंटरनेट डे की, और ये हमने उसके अंदर प्रॉम्प्ट डेटा कहीं से मान लीजिए कॉपी पेस्ट करके डाल दिया, तो उसने इसको जो है इस तरीके से ये हमें बनाकर दे दिया है। और लगभग लगभग 70-80% तो एक्यूरेसी बहुत कमाल की होती है इसके अंदर ये, क्योंकि हमने एक ही सेक्शन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस कर दिए थे। दोस्तों देखिए, एक ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं हम व्हाट्सएप मैसेंजर के ऊपर, तो ये व्हाट्सएप मैसेंजर के ऊपर पहले इसने टाइटल लिखा और फिर ये आपके ब्लॉग के लिए इसने पोस्ट लिखना शुरू कर दी है। इसको अच्छे से पढ़िए और पढ़ने के बाद जो है आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमने लिखा कि क्या आप एक ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं, और ये जो डबल कॉमास के अंदर हमने ये कंटेंट लिखा है, इस कंटेंट को वो अच्छे से रिफ्रेश करेगा। और रिफ्रेश करने के बाद ये देखिए, ये इसने जो है यहाँ पर हमारे लिए बिल्कुल फ्रेश डेटा जनरेटेड बना दिया है, जो कि कंटेंट कॉपीराइट फ्री माना जाता है। इसी के साथ दोस्तों देखिए, और भी हैं, ये हम जो कहीं से डेटा लेकर आते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि बस आप हमें इसके लिए एक ब्लॉग पोस्ट लिख दीजिए या कोई भी पोस्ट लिख दीजिए, तो इस तरीके से ये जो है दोस्तों पोस्ट को लिख देता है। अब आप और देखेंगे, देखिए ये कुछ तो इसी तरीके की चीज़ें हैं। अब मान लीजिए हमें कोई मेल लिखना है, किसी कंपनी को मेल लिखना है, और मान लीजिए अगर आपको अपने बैंक को ही मेल लिखना है, मान लीजिए ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने लिखा था कि मुझे एक कंप्लेंट ईमेल लिखना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को रिगार्डिंग द UPI पिन जो जनरेट नहीं हो रहा था उसके लिए, बस इतना लिखा। और ये देखिए, इसने यहाँ पर प्रॉपर बनाकर दे दिया, सब्जेक्ट अर्जेंट है भाई इशू UPI पिन जनरेट करने का, डियर सर मैडम। इस पूरे कॉन्टेंट में बस आपको जहाँ पर आपकी जानकारी लिखनी है, जैसे आपका नाम, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका अकाउंट नंबर, ये सारी जानकारी आप दीजिए, बाकी का ये पूरा जो है आपको प्रॉपरली बनाकर दे देता है। देखिए UPI सर्विस रिक्वेस्ट के लिए भी हमने एक प्रॉम्प्ट लिखा था, जिसमें कि हमने एक एप्लीकेशन लिखा था SBI को, स्टार्ट कर दीजिए हमारी UPI सर्विस को। ये देखिए, हमारा नाम, पता, जिप एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर, डेट, ब्रांच का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ब्रांच का एड्रेस, एप्लीकेशन है UPI सर्विस स्टार्ट कराने के लिए। और ये देखिए, ये प्रॉपर इन्होंने जो है यहाँ पर एक अच्छा सा खूबसूरत सा मेल बना दिया है। और मैं आपको बता दूँ, उसके बाद मेरा काम हो भी गया था दोस्तों। और आते हैं, यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हैं, ये तो सभी हमारे काम की जो चीज़ें हम जो काम करते हैं उसके लिए हमने बनाई गई हैं। आपको कुछ और चीज़ें दिखानी हो, जैसे कि मान लीजिए आपको दो बेसिक चीज़ों में अगर अंतर पता करना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि मुझे SSD और HDD में क्या अंतर था, तो मैंने इसके लिए ये ब्लॉग पोस्ट ही बना दिया था पूरा। ये देख सकते हैं, राइट ए ब्लॉग पोस्ट ऑन क्या डिफरेंस है इनकी लाइफ स्पेन में, कौन सा ड्राइव कितने दिन तक चलता है, तो उसके ऊपर देखिए ये एक बिल्कुल कॉपीराइट फ्री कंटेंट बना कर दिया है। और बाद में जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये बड़ा ही एक्यूरेट बना कर देते हैं।
दोस्तों, अगर आप प्रोग्रामिंग के क्षेत्र से हैं और प्रोग्रामिंग करते हैं, पाइथन के प्रोग्राम्स बनाना चाहते हैं, तो भी आपको प्रॉम्प्ट लिखना होता है। और प्रॉम्प्ट लिखना किस तरह से होता है, इस तरीके से: राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू जनरेट रैंडम नंबर। एक रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए पाइथन प्रोग्राम बनाया गया है। इसी के साथ और भी बनाए गए होंगे। देखिए, पाइथन प्रोग्राम टू कन्वर्ट किलोमीटर टू माइल्स, के किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाना था। ये देखिए, प्रोग्राम बना कर दिया था। इसको जाकर आप जुपिटर में कॉपी पेस्ट कर दीजिए, ये बहुत अच्छे से जो है चल जाएगा और बिल्कुल भी दिक्कत आपको नहीं करेगा। दोस्तों, इसी के साथ आप किसी भी लैंग्वेज में आप लगभग लगभग इससे सवाल पूछ सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, और भी काफ़ी सारी ऐसी कमाल की चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर देखने के लिए मिल सकती हैं। आपको मान लीजिए अपनी कंपनी के लिए कोई विजन स्टेटमेंट बनाना है, कोई मिशन स्टेटमेंट बनाना है, कुछ ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, ये देखिए एकेडमिक क्वालिटी विजन मिशन अगर हमें बनाने हो, प्रॉपर लिख दीजिए, बता दीजिए इसको कि मुझे एक एक्शन प्लान बनाना है, डेवलप करना है सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग बच्चों के बीच में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तब। तो देखिए, प्रॉपर लिख कर देता है, ऑब्जेक्टिव्स में लिख कर दिया है, एक्शन क्या लेना है, टाइमलाइन क्या होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, 1, 2, 3, 4, इस तरीके से आप देखेंगे ये बिल्कुल आपको एक हायरार्की में प्रॉपर डेटा दे रहा है, और कब क्या करना है, किस ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, ये आपको प्रॉपरली यहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पूछने हैं गूगल के बारे में, तो आप यहाँ पर गूगल के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट पूछ सकते हैं, ये देखिए, और ये आपको तुरंत ही सारी चीज़ें बता देगा। हिंदी में बात करनी है, चैट जीपीटी कैसे हैं, ये देखिए हिंदी में भी काम करता है। और चैट जीपीटी, क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं, कुछ मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में, ये इस तरीके से देखिए, कोई शेर सुना दीजिए, तो ये शेर भी लेकर आया है और बाकायदा अपने डेटाबेस से प्रॉपर जो शेर फैमी साहब ने पढ़ा था वही सुना रहा है, और तारीफ भी सुनता है, तारीफ करता भी है, शेयर मार्केट ऊपर नीचे क्यों होता है उसके बारे में भी जानकारी रखता है। तमाम चीज़ें ऐसी हैं, 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाने थे करंट अफेयर्स के ऊपर, आंसर के साथ साथ बना दिया है टेबल के अंदर। इसको उठाइए आप, इसकी छोटी छोटी क्लिप बनाइए और क्लिप बनाकर इस डेटा को कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और इसी से आप रील्स भी बना सकते हैं, जो कि नॉलेज की रील्स आजकल बनाई जाती हैं, वो सब यहीं से उठाया जा रहा है, कुछ नया नहीं है। दोस्तों, इसी के साथ आपको लेटेस्ट ट्रेंड AI में पता करने हो तो ये देखिए, ये प्रॉम्प्ट आप देख सकते हैं, आपको ये जैसे ही आप सबसे ऊपर लिखेंगे तो ये लेटेस्ट ट्रेंड आ गए हैं, AI द नेक्स्ट फ्रंटियर ऑफ क्रिएटिविटी, एक्सप्लेनेबल AI, AI इन हेल्थ केयर, AI पावर्ड ऑटोमेशन, इस तरीके से आपको ये देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों, एक हिंदी में आवेदन लिखना था हमारे संस्था में काम करने वाले एक बच्चे को, कॉलेज में लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आवेदन लिख दीजिए, चैट GPT जी लिख दिया, सेवा में माननीय प्राचार्य, कॉलेज का नाम पता, लैब टेक्नीशियन के पद हेतु आवेदन, और ये बहुत ही सुंदर सा हिंदी में आवेदन लिखा है, आप इसको पढ़ेंगे मज़ा आएगा, कॉपी पेस्ट कीजिए और लिखकर अपना नाम लिख दीजिए और अच्छे से भेज दीजिए, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, दुनिया कर रही है इसका इस्तेमाल, आप कई मीलों पीछे रह जाएंगे, और फिर जब आप इसको पकड़ना शुरू करेंगे तब तक दुनिया बहुत आगे चली जाएगी। दोस्तों, एक और है, अगर आप यूट्यूबर्स हैं या कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कहीं पे टैग चाहते हैं, मेटा टैग, कि आजकल दुनिया में कौन से टैग चल रहे हैं, बस ऐसे लिख देना है कि 20 यूट्यूब मेटा टैग मुझे लिख के दीजिए मेरे वीडियो के लिए, मैं क्या लिख सकता हूँ जिसको लोग ज़्यादा सर्च करें, तो इस कंटेंट के लिए देखिए ये लिख कर देती है। ऊपर भी देखेंगे कहीं हिंदी में भी लिखवाया होगा मैंने, ये देखिए 10 मेटा टैग लिख दीजिए गूगल GEMINI को हिंदी में कैसे चलाएं, हिंदी और इंग्लिश में, ये देखिए हिंदी और इंग्लिश में लिख कर देती है, इनको कॉपी पेस्ट कीजिए और अच्छे से आप चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारी कमाल की चीज़ें हैं इसके अंदर, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ प्रॉम्प्ट नहीं भी आते हैं तो जो मन में आता है उसको लिख कर देखिए, सीख कर देखिए। इसका एप्लीकेशन भी आ गया है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हाल फिलहाल आज के लिए वेब बेस्ड चैट GPT इस वीडियो में मैंने आपको बताया, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।